गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी हैव टू डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5 इन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट एंड द चैप्टर नेम इज एमएस एक्सेल 2016। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर विज्ञान विषय के अंतर्गत पार्ट 5 एमएस एक्सेल 2016 के बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। Now the first remaining topic is autofill. Autofill. It is used to data fill automatically. It is used to data fill automatically. With the help of this option, we will fill data automatically. And now the question is your side. Sir, it is practically possible? Yes, it is practically possible in MS Excel. How? Now see the example of fill data automatically. First of all, students, you have to type MONDAY Monday in a particular cell. सबसे पहले आप MONDAY एक एक्सेल की एक सेल के अंदर आप ये स्पेलिंग टाइप करेंगे फ्रॉम योर कीबोर्ड. आप कीबोर्ड से टाइप कीजिए MONDAY. Now you have to send here. Your mouse pointer. आप अपने माउस पॉइंटर को यहां सेंड कीजिए. माउस पॉइंटर. नाउ यू हैव टू सी एंड नोटिस योर माउस पॉइंटर शेप विल बी चेंज इन पॉजिटिव सिंबल. आपका जो माउस पॉइंटर का जो शेप था अब वो पॉजिटिव सिंबल में है. पॉजिटिव जो प्लस का जो सिंबल आता है उसमें वो आपका डेटा के साथ में डेटा सेल के साथ में आपका जो पॉइंटर है वो चेंज हो गया है. नाउ क्लिक टू लेफ्ट बटन. Now click to left button from your mouse. आप अपने माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे ओके एंड ड्रैग द सेल्स रीजन. और आप अपने माउस पॉइंटर को प्रेस करके माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे एक पर्टिकुलर सेल्स रीजन पे. छोड़ दीजिए उसे. Now you have to notice that all cells range will be filled automatically. मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे. अब आप देखेंगे जैसे आप माउस पॉइंटर को छोड़ेंगे संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऑटोमेटिकली उसमें डेटा सेट हो जाएगा. मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे जहां तक आपने डेटा उसको सिलेक्ट किया. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टाइप मंडे देन यू हैव टू सेंड योर माउस पॉइंटर हियर. नाउ यू हैव टू रियलाइज दैट यू हैव टू नोटिस दैट योर माउस पॉइंटर चेंज arrow style to positive symbol. You have to press your mouse pointer and drag the data sales range. आप डेटा के लिए सेल्स रेंज तक आप उसको सेलेक्ट करके करते हुए चलिए सेलेक्ट करते हुए. जैसे ही आप माउस पॉइंटर छोड़ेंगे माउस को ड्रैग करना छोड़ देंगे आप देखेंगे नोटिस करेंगे कि आपकी जो सेल्स थी डेटा रेंज के लिए आपने जो सेलेक्ट की थी उस सेल्स रेंज में डाटा के साथ में यानी उस डेटा के साथ में जो रेंज आपने सिलेक्ट की थी मंडे के बाद में ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आता जाएगा. नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू स्टार्ट सेकंड मेथड. ये प्री डिसाइडेड था. अब आप इस प्री डिसाइडेड को कन्वर्ट कैसे करेंगे. ये तो आपका इजी गोइंग मेथड था बट यू हैव टू क्रिएट दिस मेथड. आप ये सिंपल मेथड है और अब आप इसको थोड़ा सा ऑटोमेटिकली थोड़ा सा चेंज करेंगे ओके स्टूडेंट. Now, first of all, you have to type Monday. आप एक एक्सेल के शीट के अंदर से एक सेल के अंदर आप मंडे टाइप करें. Select the cells A1 to A7. First of all, you have to type Monday, and after this, you have to select A1 to A7 cells range. डाटा के लिए A1 से लेकर के आप A7 की रेंज को आप सेल्स को सेलेक्ट करोगे. Go to Home tab. After selecting cells, you have to go Home tab and in home tab in editing group you have to open editing group. Editing group के अंदर आप select the drop down arrow of fill option. आप select करेंगे drop down arrow को for fill option के अंदर. Fill option को जब आप open करते हैं a series dialog box open. A series dialog box will be open. Now under type group select ऑटोफिल. ग्रुप के अंदर से आपको ऑटोफिल को रेडियो बटन्स को
आपको अप्लाई करना है. यू हैव टू नो अबाउट ना रेडियो बटन. हियर द सिंबल ऑफ रेडियो बटन. यू हैव टू अंडर टाइप ग्रुप सेलेक्ट ऑटोफिल रेडियो बटन. क्लिक ओके बटन. आफ्टर यू हैव टू सेलेक्ट द बटन यू हैव टू अप्लाई ओके बटन. प्रेस ओके बटन. यू हैव नोटिस्ड. यू हैव टू नोटिस योर सेल रेंज. A1 में आपने मंडे लिखा था. यू हैव टू राइट दैट टाइप मंडे. यू हैव टू रियलाइज और नोटिस दैट 2, 3, 4, 5, 6, 7 नाउ रिमेनिंग सेल्स आर ऑटोमेटिकली फिल्ड. ओके, आप देखेंगे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी रेंज जो सेल्स रेंज थी उसमें वो डेटा आ गया है. सो ये मेथड सिंपल मेथड है और ये आपको प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप यानी विजार्ड के थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई करेंगे. फ्लैश फील. नाउ व्हाट इज फ्लैश फील? इन दिस फीचर यू फिल द डेटा इन वन कॉलम एंड टेक सम डेटा फ्रॉम दैट कॉलम एंड ऐड इन द न्यू कॉलम. ओनली ए फ्यू कीज स्ट्रोक्स. फ्लैश फील विल ऑटोमेटिकली फिल द रिमेनिंग फील्ड्स. मीन्स स्टूडेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन आई से. मैं आपको क्या कहना चाहता हूं. नाउ स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैश फील यू हैव टू सॉर्टिंग डेटा फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर कॉलम. नाउ इन दिस फीचर यू फिल द डेटा इन वन कॉलम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट all information in particular columns. Now after this and take some data from that column. आप उस column में से कुछ data को second column में apply कर देते हैं, second column में send कर देते हैं and add it in the new column only a few keystrokes. और उस दोनों में से उन दोनों को apply करके आप एक third column में कुछ few strokes, कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आप उसमें सॉर्टिंग करके लगा सकते हैं. फ्लैश फील विल ऑटोमेटिकली फिल द रिमेनिंग सेल्स. मींस फ्लैश फील ऑप्शन की सहायता से विद द हेल्प ऑफ फ्लैश फील वी हैव टू फिल डेटा सीरीज ऑटोमेटिकली. हम लोग फिल करके अपने डेटा को फ्लैश फील के अंदर अपने डेटा को ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं. हाउ? नाउ द मेथड इज हियर. Understand this method very carefully, all of you students. First of all, create three columns. First of all, you have to create three columns. Now, the column name is, first is address, second is house number, and third is city. First is address, second is house number, and third is city. Clear, student? Now, press enter in address. Enter the values in address column. Now, aap address column mein apni information ko input karayenge. Means you have to fill all address in columns. Now after this type as per your book example type 166 in cell B1 group. B1 group ke andar aap 166 aapko with the help of your keyboard you have to type and press enter key. Aur aapko press karna hai enter key se. Bas itna hi karna hai. Ab aapko automatically aapke arrange ho jayenge data sheet. Go to home tab. Go to home tab. Open editing group. Open editing group in fill option. आप fill option में जो आपको editing group में fill option मिलता है उसे open कीजिए. Now open fill option. Select the fill option group. You have to select fill option. अब आपको fill option को apply करना है. किसमें? Editing group में fill option को. Select fill option. आप जैसे ही ओके करेंगे यू सी दैट रिमेनिंग सेल्स विल बी फिल्ड ऑटोमेटिकली. अब आप देखेंगे कि जो हाउस नंबर के बगल में आपका जो सेकंड ऑप्शन था एड्रेस कॉलम हाउस नंबर ऑटोमेटिकली उसमें से कुछ की स्ट्रोक्स दूसरे कॉलम्स में से जो डेटा रेंज है आपकी जो सेल रेंज थी ऑटोमेटिकली उसमें से शिफ्ट हो गई. अगेन स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट थ्री कॉलम्स. आप थ्री कॉलम बनाइए एड्रेस हाउस नंबर सिटी एज पर योर बुक एग्जाम्पल. एंटर द वैल्यूज इन एड्रेस कॉलम. आप एड्रेस कॉलम में सारी वैल्यू को टाइप कर लीजिए. टाइप 166 इन सेल B1 ग्रुप. A1 में आपने कॉलम लिया था B1 के अंदर अब आप
जो आपका हाउस नंबर है उसके अंदर अब आप 166 अंडर हाउस नंबर में आप 166 को टाइप कर दीजिए। क्लियर? नाउ प्रेस एंटर की, आप प्रेस एंटर लगाइए, आपको टाइप करना है 166 इन सेल B1 ग्रुप, यानी आपका जो B1 ग्रुप जिसको आपने दिया है हाउस नंबर उसके नीचे, ओके 166। अब आपको जाना है कहाँ, होम टैब में। होम टैब में जैसे ही आप प्रेस करेंगे होम टैब को, गो टू हैव होम टैब, ओपन एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपको फिल ऑप्शन को अप्लाई करना है। यू हैव टू ओपन एडिटिंग ग्रुप, इन एडिटिंग ग्रुप यू हैव टू सेलेक्ट फिल ऑप्शन, फिल ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट फिल ऑप्शन, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे फिल ऑप्शन को, ओके करेंगे, यू सी दैट रिमेनिंग सेल्स विल बी फिल्ड ऑटोमेटिकली। अब आपकी जो रिमेनिंग जो सेल्स थे अंडर B1 अंडर B1 ग्रुप ऑटोमेटिकली सेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से आप A1 B1 C1 रिमेनिंग पार्ट जो आपका C1 था C3 उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम मेथड को अप्लाई करके। रीनेम ए वर्कशीट। स्टूडेंट इफ यू वांट टू चेंज ए वर्कशीट नेम देन यू हैव टू अप्लाई रीनेम फैसिलिटी और रीनेम मेथड और रीनेम ऑप्शन इन योर स्प्रेडशीट। नाउ रीनेम मींस टू चेंज द नेम ऑफ वर्कशीट। नाउ हाउ कैन बी क्रिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ माउस यू हैव टू यूज राइट क्लिक ऑन शीट टैब। आप नीचे शीट टैब के ऊपर राइट क्लिक करेंगे विद द हेल्प ऑफ माउस, सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन, एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, उस पॉपअप मेन्यू में आप रीनेम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नाउ व्हेन यू हैव टू क्लिक ऑन शीट टैब बटन विद द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर राइट क्लिक, नाउ ए पॉपअप मेन्यू विल बी ओपन एंड यू हैव टू सिलेक्ट रीनेम ऑप्शन। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट रीनेम ऑप्शन, टाइप द न्यू नेम, टाइप द न्यू नेम फॉर योर वर्कशीट। आप अपने वर्कशीट के लिए कीबोर्ड से नया नाम टाइप कीजिए एंड प्रेस ओके। यू हैव टू सी इन टैब बार योर वर्कशीट नेम विल बी चेंज, आपकी जो वर्कशीट है उसका नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया विद द हेल्प ऑफ रीनेम ए वर्कशीट। नाउ स्टूडेंट्स मूव और कॉपी ए वर्कशीट, मूव और कॉपी ए वर्कशीट। इफ यू वॉन्ट टू चेंज द लोकेशन ऑफ वर्कशीट देन यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड। हाउ चेंज द लोकेशन ऑफ ए वर्कशीट एंड क्रिएट ए डुप्लीकेट ऑफ इट, कॉपी ए वर्कशीट। यानी स्टूडेंट्स मूव और कॉपी ए वर्कशीट का मतलब है चेंज द लोकेशन ऑफ ए वर्कशीट, मीन्स यू हैव टू चेंज योर प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू ओपन ए MS Excel sheet and you want to change the location of a particular worksheet, then you have to apply move or copy worksheet option and create a duplicate of it. और आप इसकी duplicate बना सकते हो, means copy a worksheet, आप इस worksheet की copy बना सकते हो for different location के लिए। How we can create this? Now first of all click with the help of माउस बटन राइट क्लिक ऑन द शीट टैब। आप शीट टैब के ऊपर राइट बटन को प्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर, सेलेक्ट माउस और कॉपी ऑप्शन, ए पॉपअप मेन्यू विल बी ओपन, यू हैव टू सेलेक्ट माउस और कॉपी ऑप्शन। उस पॉपअप मेन्यू विंडो में से, उस पॉपअप मेन्यू बार में से आपको सेलेक्ट करना है मूव और कॉपी ऑप्शन। नाउ सेलेक्ट ए वर्कशीट विच यू वॉन्ट टू मूव और कॉपी। अब आपको वो वर्कशीट सेलेक्ट करनी है जिसको आपको मूव करना है, जिसकी आपको एक एक्स्ट्रा डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, मीन्स यू वॉन्ट टू चेंज द लोकेशन, यू वॉन्ट टू मूव द कॉपी ऑफ ए पर्टिकुलर वर्कशीट। नाउ क्लिक ऑन द न्यू बुक ऑप्शन इन टू बुक। अब आप उस वर्कशीट को आपने सेलेक्ट किया, अब जैसे आप सेलेक्ट करते हैं क्लिक ऑन द न्यू बुक ऑप्शन इन टू बुक, आपको बुक के अंदर न्यू बुक ऑप्शंस को अप्लाई करेंगे। नाउ आफ्टर दिस क्लिक ओके बटन, कुछ नहीं करना आपको, हो गया है, प्रेस क्लिक ओके बटन, ए न्यू वर्क बुक विल बी क्रिएटेड विद नेम बुक टू। अब आप देखेंगे जैसे आपने यहां ओके बटन को प्रेस किया था, नाउ कंप्लीट द होल प्रोसेस, यू हैव टू प्रेस ओके बटन, यू हैव टू सी नाउ ए डिफरेंट बुक
नाउ द डिफरेंट बुक विल बी सी, आपको एक डिफरेंट बुक दिखेगी विद द नेम ऑफ बुक टू, यानी अब आपने अपनी वर्कशीट की लोकेशन को चेंज कर दिया है, उस चेंज की बुक का नाम अब क्या होगा, बुक टू। प्रोटेक्टिंग ए वर्कशीट, स्टूडेंट इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई ए पासवर्ड फॉर योर वर्कशीट देन यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड, प्रोटेक्टिंग ए वर्कशीट मीन्स अप्लाई ए पासवर्ड फॉर योर वर्कशीट। स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो आप अपनी वर्कबुक या अपने फाइल के लिए एमएस एक्सेल की फाइल के लिए अगर आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। नाउ अप्लाई दिस मेथड, राइट क्लिक ऑन ए वर्कशीट टैब, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक विद द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर ऑन योर शीट टैब, आप राइट क्लिक कीजिए वर्कशीट के अंदर वर्कशीट टैब के ऊपर। नाउ सेलेक्ट द प्रोटेक्ट शीट, व्हेन यू हैव टू ओपन वर्कशीट टैब ए पॉपअप मेन्यू विल बी ओपन, एक पॉपअप मेन्यू डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। नाउ इन पॉपअप मेन्यू डायलॉग बॉक्स यू हैव टू सेलेक्ट द प्रोटेक्ट शीट, आप प्रोटेक्ट शीट को सेलेक्ट कीजिए। नाउ ए प्रोटेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन, व्हेन यू हैव टू सेलेक्ट प्रोटेक्ट शीट ए प्रोटेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन, टाइप द पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर वर्कशीट। अब आप अपना पासवर्ड डायलॉग बॉक्स में अपना पासवर्ड टाइप करेंगे एंड नाउ इस पासवर्ड को आपको कहीं लिख लीजिएगा, अदरवाइज यू हैव टू फॉरगेट योर पासवर्ड, टाइप द पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर वर्कशीट, आप पासवर्ड को टाइप कीजिए, क्लिक ओके बटन, क्लिक ओके बटन, नाउ योर वर्कशीट विल बी प्रोटेक्ट फॉर ए पर्टिकुलर पासवर्ड, यानी अब आपकी वर्कशीट एक पासवर्ड के थ्रू सेफ हो गई है, नो वन कैन ओपन विदाउट योर परमिशन, बिना आपकी परमिशन के बिना जाने नो वन कैन ओपन द वर्कशीट और ए फाइल, इस फाइल को या इस वर्कशीट को कोई भी ओपन नहीं कर सकता है। नाउ स्टूडेंट्स प्रोटेक्टिंग ए वर्कशीट, अनप्रोटेक्ट वर्कशीट, आपने पासवर्ड लगाया, नाउ अनप्रोटेक्ट मीन्स यू हैव टू रिमूव पासवर्ड फॉर ए वर्कशीट और ए फाइल, हाउ कैन इट विल बी अप्लाई फॉर योर वर्कशीट, नाउ सी दिस एग्जाम्पल, राइट क्लिक ऑन वर्कशीट टैब, अगेन यू हैव टू अप्लाई राइट क्लिक ऑन वर्कशीट टैब, आप दोबारा से इस चीज को अप्लाई करेंगे उस लगे हुए पासवर्ड के उसी शीट के ऊपर, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन वर्कशीट टैब, नाउ ए पॉपअप मेन्यू विल बी ओपन, अगेन ए पॉपअप मेन्यू विल बी ओपन, क्लिक ऑन अनप्रोटेक्ट शीट ऑप्शन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन अनप्रोटेक्ट शीट ऑप्शन, ए स्मॉल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स नेम अनप्रोटेक्ट शीट, आपके सामने छोटा सा स्मॉल मैसेज बॉक्स आएगा, उस मैसेज बॉक्स के अंदर अनप्रोटेक्ट नाम से अपीयर्स नेम अनप्रोटेक्ट शीट के नाम से मैसेज बॉक्स आपके सामने होगा, डिस्प्ले होगा, टाइप द पासवर्ड, अब आप करेक्ट पासवर्ड टाइप कीजिए और प्रेस कर दीजिए ओके बटन, यू हैव टू टाइप द करेक्ट पासवर्ड एंड प्रेस ओके, नाउ योर पासवर्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्कशीट, अब आप नोटिस करेंगे कि जो आपकी एग्जिस्टिंग वर्कशीट है उस एग्जिस्टिंग वर्कशीट का जो पासवर्ड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया है।